नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रांजिशन एलिमेंट चैप्टर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम स्पेसिफिक 3D सीरीज स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, वो सारा हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम अगर स्टार्ट करते हैं, पीरियोडिक टेबल लेते हैं, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे क्लासिफाई किया गया, जितने भी एलिमेंट्स आज तक नॉन हैं, आज तक जितने भी एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं, उन सबको 4 ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ब्लॉक हैं, वो एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, यानी 4 ब्लॉक्स हैं, एस, पी, डी एंड एफ, जिसमें सारे एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, नेक्स्ट, अब डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, अब किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एलिमेंट एस में जाएगा, ये एलिमेंट पी में जाएगा, ये डी में जाएगा और ये एफ में जाएगा। हम किस बेसिस पे बता सकते हैं कि एस का एलिमेंट है या फिर पी का एलिमेंट है या एफ का है या डी का है, जो भी है, तो उसका रीज़न क्या है, किस बेसिस पे उसको किया गया है, वो है फ्रेंड्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम का, वो कौन से सबसेल में एंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो एटम का, वो कौन से सबसेल में एंटर कर रहा है, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी का है, डी का है या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट का है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो वो एस का है, अगर पी में जा रहा है तो पी का है, एफ में जा रहा है तो एफ का है, डी में जा रहा है तो डी का है। तो मेन रीज़न क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं एलिमेंट्स को एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में। ओके फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग ये हो गया। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि जो डी ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल का, उसमें ही सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होती है, दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्शली फील्ड डी सबसेल। ठीक है, मतलब जो कोई भी एलिमेंट जिसका क्या होगा, डी सबसेल फिल होगा, यानी या तो पार्शली हो या कम्प्लीटली हो, तो वो कौन से होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी सबसेल। ठीक है, अगर डी सबसेल क्या है, फील्ड है, तो वो कौन से होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, इसमें यही करना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो आउटर मोस्ट सेल कंटेन हम करते हैं, आउटर मोस्ट सेल कंटेन्स मतलब लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, तो दो फॉर्मूले हैं, एक तो एन एस में, एक तो एन एस में प्रेजेंट होंगे और एक क्या होंगे, एन माइनस वन डी में होंगे। ठीक है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा, डी में जाएगा, और जो पहले वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस में जाएंगे, एन एस में जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स कौन से हैं, अगर हम सिंपल एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने, तो क्या है, सी यू है, ए जी है, ए यू है, ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। अगर हम बात करें कि सी यू है, टू पॉजिटिव लिखा हुआ है, टू पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है, सी यू टू पॉजिटिव, इसमें फ्रेंड्स टू पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज है, तो ये वाली सी यू की क्या है, ऑक्सीडाइजेशन स्टेट है, क्या है, ऑक्सीडाइजेशन स्टेट। ठीक है, और इसमें क्या, देखो एग्जांपल्स हमने किए हैं तो सी यू टू पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बात करते हैं इसकी 3d9 है, इसकी ए जी की कितनी है, 4d9 है, और ये क्या है, ए यू 3 पॉजिटिव है, इस पर भी चार्ज है, तो ये क्या है, 5d8 है। ठीक है, इनकी क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये हम फ्रेंड्स आगे डिस्कस करेंगे कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करते हैं किसी भी एटम एलिमेंट की। इसमें देखो सब में लास्ट क्या है, डी है, तो डेट्स वाई दे आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अगर डिस्कस करें एलिमेंट्री फॉर्म, इन्हीं की एलिमेंट्स की हम फॉर्म कर रहे हैं एलिमेंट्री फॉर्म। एलिमेंट्री फॉर्म क्या होता है, प्योरली जो प्रेजेंट होते हैं, आयन की फॉर्म में नहीं,
प्योर एलिमेंट जो प्रेजेंट होता है यानी Cu कॉपर, इसकी कितनी होती है 3d9, ठीक है। Ag की कितनी होगी 4d10, और इसकी कितनी है Au की 5d10, ठीक है। ये एलिमेंट्री फॉर्म है, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये एलिमेंट्री फॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे निकाल ली है हमने। इसमें देखो कम्प्लीटली फील्ड है, डी में कितने आ सकते हैं 10 आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये 10 10 10, तो इस पे क्या है, ये क्या है कम्प्लीटली फील्ड सबसेल है। डी सबसेल क्या है, कम्प्लीटली फील्ड। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, देखो ये हमारे पास एक रफ सा स्ट्रक्चर है पीरियोडिक टेबल का। जैसे कि हमें पता है पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, लेफ्ट में एस ब्लॉक होता है, राइट में क्या होता है पी ब्लॉक होता है, जो मिड में होता है वो होता है हमारे पास डी ब्लॉक। यानी मीन्स क्या है, यहाँ से 3 to 12 जो ग्रुप होते हैं वो कौन सा होता है डी ब्लॉक। इन्हीं को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली आज हम जो स्टडी कर रहे हैं इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो ये वाला ब्लॉक हम आज स्टडी कर रहे हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो होता है कितने, बेसिकली जो हम देखते हैं कि 3 तो कंप्लीट, जो बीच में जो स्क्वेयर है 3 to 12 ग्रुप का, 3 तो उसमें क्या होती है कंप्लीट रोज होती है, और 1 क्या होती है इनकम्प्लीट रो होती है। 3 क्या होती है कंप्लीट रोज एंड 1 इनकम्प्लीट रो। अब नेक्स्ट हमारे पास, ये तो हमने बेसिकली उसका स्ट्रक्चर और वो देख लिया, एग्जाम्पल देख लिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। अब हम करेंगे 3D सीरीज। 3D सीरीज में फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, जो सीरीज है वो लर्न होनी चाहिए कि भाई उसको हम कैसे लर्न करेंगे। लर्न होगी तो उसके एटॉमिक नंबर हमें लर्न होंगे, एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर लर्न होंगे, अगर एटॉमिक नंबर है तो इजीली हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं तो हम उसकी एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर उसकी क्या कर सकते हैं पैरा मैग्नेटिक है डाई मैग्नेटिक है, तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, हमें उस सीरीज को लर्न करना है। अब हम सीरीज कैसे लर्न करेंगे, तो लेट्स सी। अब देखो सिंपल है, अब हम ऐसे तो इसको नहीं कर सकते ना, स्कैंडियम फिर ट्रेटेनियम फिर वो, तो उसमें डिफिकल्ट होता है। एक बार हमें ये चीज लर्न हो जाएगी, एक बार हम इसको क्रैम कर लेंगे, लेकिन हमेशा के लिए हम इसको याद नहीं कर सकते ऐसे। तो इसके लिए हम एक सिंपल सी ट्रिक लगाएंगे, एक सिंपल सी लाइन हम लर्न करेंगे, जिससे क्या करेंगे हम माइंड में सेट करेंगे इमेज और कभी भी नहीं भूलेंगे। तो वो लाइन क्या है, लेट्स सी। स्कूटी, नॉर्मली गर्ल्स सब चलाती हैं, आजकल तो बॉयज भी चलाते हैं। स्कूटी, वैन, कार, ओके व्हीकल्स आगे सारे, स्कूटी वैन कार। मैं फेंको स्कूटी वैन कार में फेंको निकिल कॉपर, ये लास्ट में मिसप्रिंट हो गया थोड़ा फ्रेंड्स, ये है जिंक। ओके जिंक क्या है, स्कूटी याद रखना है, वैन याद आ रखना है, कार याद रखना है, में फेंको निकिल कॉपर जिंक। एक बार और रिपीट करते हैं, स्कूटी वैन कार में फेंको निकिल कॉपर जिंक। इसको 3 to 4 टाइम्स आप बोलोगे तो उसमें लर्न हो जाएगी इजीली। इसमें अब क्या करना है, सीरीज तो जी हमने याद कर ली, अब इसको लर्न कैसे करेंगे, इसमें कहाँ आ गया स्कैंडियम, कहाँ आ गया ट्रेटिनियम, कहाँ आ गया, कहीं नहीं आया, तो इसमें कैसे लर्न करेंगे। अब देखो स्कूटी क्या है हमारे पास, स्कूटी है, एस सी स्कैंडियम आ गया, टी आई, तो इसमें क्या बन जाएगा स्कूटी ट्रेटिनियम TI बन गया। वैन से हम वी लेंगे ओके। क्रोमियम हम कार से बनाएंगे CR, में हम लिखेंगे MN, जो हम WhatsApp पे इंस्टा पे FB पे जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं ठीक है वो लिखेंगे हम में। नेक्स्ट है हमारे पास फेको, F से क्या लिखेंगे, F से हम FE लिखेंगे आयरन, कोबाल्ट CO लिखेंगे, और नेक्स्ट हमारे पास है सीधा निकिल कॉपर एंड जिंक ठीक है।
ये सिंपल सी ट्रिक थी जिसे हम याद रखेंगे। स्कूटी, वैन, कार, में, फेको, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स ये हम सीरीज होगी हमारी लर्न। उसके बाद हम इसके ये सिंबल्स होते हैं ये आपको लर्न करना है। SCTIVCR कॉमनली हम इससे फैमिलियर है तो हमें इसको लर्न करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमें स्कैंडियम का लर्न कर लो, 21 है स्कैंडियम का, 21 है। और फिर क्या है, 22। एक एक ही पीरियड की बात कर रहे हैं, एक ही पीरियड में है सारे, तो उनके बाद इंक्रीज होता जाएगा एक एक नंबर, और वो 30 तक, लास्ट तक क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, सो फ्रेंड्स हमने सीरीज लर्न कर ली, सिंबल्स चेक कर लिए, एटॉमिक नंबर लर्न कर लिया। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन किसी भी एलिमेंट की कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट्स सी। ये मैंने लिखी हुई है, ये बाद में चेक करेंगे, पहले हम सीखते हैं कैसे निकालते हैं, फिर इसको हम ट्रिक से लर्न करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। फ्रेंड्स इसकी भी लर्न करने की एक ट्रिक है, इसकी भी क्या करेंगे हम, ट्रिक से लर्न करेंगे। ठीक है, इसमें ट्रिक क्या है, देखो एस ब्लॉक है, पहले एस सब सेल आएगा, फिर पी आएगा, फिर डी आएगा और फिर एफ आएगा। इसमें ये वाली सीरीज हमें याद रखनी है, पहले हम पी नहीं लिख सकते, पहले फिर उसके बाद हम डी नहीं लिख सकते अपनी मर्जी से, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते। इनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग इनको डिसाइड किया हो गया है, इनका ऑर्डर वो ही हमें सेम फॉलो करना है, पहले एस फिर पी फिर डी एंड देन एफ। ओके, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, सर्कल बना लो। ठीक है, अंडे दे रहे हैं अभी हम, 1s, 2s, 3s अंडे बना रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, 4s, 7 अंडे बनाएंगे 1s के, 7 अंडे बनाए हमने 1s के। उसके बाद हम करेंगे p, s के बाद क्या था, SPDF। ठीक है, फिर हम p के बनाएंगे, एक एक अंडा हम ऊपर से एक छोड़ देंगे, अब 2 से स्टार्ट करेंगे 7 तक बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक अंडा ऊपर से छोड़ दिया, 3D से स्टार्ट करेंगे, और अब नीचे से भी छोड़ देंगे हम D के टाइम में, तो 6D तक बनाएंगे। F के केस में ऊपर वाला भी छोड़ दिया, एक नीचे वाला भी छोड़ दिया, तो क्या बन गया, 4F एंड 5F। ठीक है फ्रेंड्स, पहले ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, अंडे वाला स्ट्रक्चर बना के उसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, एक सीरीज बनाएंगे। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें एक सीरीज चाहिए जिसको हम फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन से, और फिर उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। इससे अब हम सीरीज बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। देखो 1s है, पहले 1s लिखेंगे, कट कर दिया, फिर 2s अकेला आ गया, फिर ये दोनों आएंगे 2p, 3s, 3p, 4s, फिर आएगा हमारे पास 3d, 4d, 5s, फिर हमारे पास आएगा 4d, 5d, 6s, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 4f, 5d, 4p, 4, 7s। फिर क्या है, ये बच गया 5f, 6d एंड 7p। ठीक है, अब ये तो एरो लगा दो, ये तो फ्रंट हो गया, अब इनको मैच कर दो फ्रंट के साथ लास्ट। ठीक है, ये ऐड कर दिया, थोड़ा क्लियर नहीं है फ्रेंड, समझ लो। इसके बाद क्या है, देखो हमने क्या बनाया था, 1s, पहले फर्स्ट 1s आएगा, फिर 2s आएगा, उसके बाद देखो 2s के बाद हम यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट सीरीज 2p, 2p के बाद 3s है, 3s के बाद क्या है, 3p, 4s, 4s के बाद 3d, ऐसे हम करके ये सीरीज फॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, इससे हमारे पास एक सीरीज आएगी ये। ठीक है, ये वाली सीरीज हम ऊपर से करेंगे, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। सिंपली भी हम इसको याद कर सकते हैं फ्रेंड, ग्राम भी कर सकते हैं हम लोग, इजी है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उस डायग्राम से हम किसी भी टाइम, अगर हमें वो डायग्राम आता है अंडो वाला, तो हम किसी भी टाइम किसी भी एग्जाम में 2 साल बाद, 4 साल बाद, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो उससे हम इजीली लर्न कर, मतलब अपनी ये सीरीज बना सकते हैं। लेकिन अगर हम लर्न करके इसको रखेंगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक, हम कुछ ना कुछ वर्ड भूल जाएंगे।
अगर जिन्हें वो डायग्राम में प्रॉब्लम लग रही है इसको समझना है तो देखो, 1s हो गया, 1s हो गया, 2s हो गया, 2 के बाद 2p आ जाएगा, ठीक है, p के बाद फिर s आ जाएगा 3, फिर 3p आ जाएगा, फिर 4s आ जाएगा। इफ 4s के बाद अब क्या करना है, 3d, 4s के बाद 3d आएगा, ये हमें याद रखना है। अब d के बाद s तो आ गया था, अब क्या रहता है, p रहता है, 4p आ जाएगा, फिर 5s हो गया, 5s, s के बाद हम d की सीरीज कर रहे हैं तो 4d आ जाएगा, क्योंकि 3 हुआ है, 4d आ जाएगा, d के बाद 5p आ जाएगा, ठीक है। तो एज इट इज ऐसे हम याद रखने, तो मेन हमें क्या याद रखना है कि मेन हमें क्या याद रखना है, 4s के बाद 3d आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास ये है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, एन माइनस वन, इसमें हम डी पहले लिखते हैं, एन माइनस वन डी अप टू 10 आ सकते हैं, और एन माइनस एन एस सॉरी 1 और 2, या तो 1 या 2, ठीक है, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला, इसको हमें पता होना चाहिए, आगे हम यूज़ करेंगे इसको। अब देखो फ्रेंड्स, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कर ली, सीरीज तो हमने कर ली, अब हम इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स फील करेंगे, अपनी मर्जी से इसमें 3 कर दिए, इसमें 4 कर दिए, इसमें 5 कर दिए, नहीं, हमारे पास इसके लिए एक रूल है कि एस में इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, डी में इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो वो रूल कैसे याद करना है, देखो पहले हमें सीरीज पता है एस पी डी एंड एफ, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम ओड नंबर लिख लो, ओड नंबर 1, 3, 5 एंड 7, ओड नंबर लिख लिया, ओड नंबर लिख लिए, ओड नंबर लिख लिए, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई कर दो उनको 2 से, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 2 से कर दिया, 3 को, सीरीज हमें सेम रखनी है, ये याद रखना, इसको गड़बड़ करोगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, एस पी डी एफ, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 2 से मल्टीप्लाई की तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 और 7 2 जा 14, ठीक है। अब हमारे पास जो आया है ना ये वाली चीज़, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन एंटर इन सेल्स, सब सेल्स, मीन्स एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, और एफ में कितने आ सकते हैं, 14 मैक्सिमम आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम करेंगे, एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल अगर हम करते हैं तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल हम करते हैं स्कैंडियम का करते हैं। स्कैंडियम हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर 21 है, फर्स्ट एलिमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट का, ठीक है, तो 21 है। अब हमें सीरीज लिखनी है, सीरीज लिख ली 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, लिख ली, तो क्या है, इसके बाद हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आगे, 2 इसमें आगे, 2 इस सॉरी पी है तो 6 आएंगे मैक्सिमम, 2 इसमें आ जाएंगे मैक्सिमम, 6 इसमें आ जाएंगे, तो कितने हो गए, काउंट करो जल्दी, 12 13 14 15 16 17 18 हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन बच गए तो 3 इलेक्ट्रॉन 2 इसमें आएंगे, 4s में तो 2 ही आ सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो क्या जाएगा, 3d 1 में जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 3d 1 एंड 4s 2, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही होती है इसकी। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में गया, इसी की वजह से इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है ये, उसी की वजह से हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर इसमें यहाँ एंड हो जाती इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये एस ब्लॉक में होता, लेकिन नहीं, लास्ट क्या है इसमें, डी में है, तो इसकी वजह से ये किस में आ गया, डी ब्लॉक में आ गया। इसको हम AR आर्गन की इतनी होती है, उसके बाद क्या है, 3d 1 एंड 4s 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो फ्रेंड्स, आज हमने बेसिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ लिया, उसकी सीरीज लर्न कर ली, एटॉमिक नंबर कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया है,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, उनकी सीरीज़ क्या होती है, इंक्रीज डिक्रीज और वो सब करेंगे डिस्कस। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो ऑन क्रिएटिव स्टडीज़ AK। थैंक यू।